आएंगे, पर ये शरीर कभी ब्राह्मण संत और ब्रजवासियों का अपमान नहीं कर सकता। मेरे रोम रोम में इन तीनों के प्रति, समाज में सभी के प्रति मेरी श्रद्धा है, पर तीनों के प्रति विशेष है, क्योंकि मैं भागवत जी के चरणों से जुड़ा हूँ, जानता हूँ कि संत क्या होते हैं, ब्राह्मण क्या होते हैं और ब्रजवासी क्या होते हैं। फिर भी मेरी वाणी से यदि आप महापुरुषों को, मेरी बात से जितने भी ब्रजवासी हैं, यहाँ मूल ब्रजवासी जितने हैं, उनमें से किसी की भी भावनाओं को ठेस लगी हो, तो मैं बारंबार बारंबार अपने आप को आपके चरणों में लेट करके बारंबार प्रणाम करता हूँ। और ब्रजवासियों की चरण धूली सदा जब तक जीवन रहेगा, प्राण रहेंगे, तब तक धूली माथे पे ही लगाऊंगा। पर ब्राह्मण संत और ब्रजवासी, इन तीनों के लिए मेरी जो श्रद्धा तब थी, आज है, वही मरते दम तक रहेगी। और बात क्षमा की, जैसा कि आप सभी महापुरुषों ने कहा कि क्षमा तो दास ने तब मांगी थी, और एक बार नहीं दो बार मांगी थी, और इसके साथ एक बार क्या दो बार क्या, 1,00,000 बार नहीं 1,00,00,000 बार यदि मांगनी पड़े तो मैं आपके चरणों में लेट करके, मेरा तो जन्म ही चरण छूने के लिए हुआ। मैं तो ये निवेदन करूंगा कि जब मेरे प्राण निकल जाएं, तो मेरे शरीर का चमड़ा निकालकर ब्रजवासियों की जूती बनाई जाए।